सो so, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी मुकदमे में विरोधी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर क्या किया जाए तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं मेरा नाम राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्पस दोस्तों किसी भी मुकदमे में वादी और प्रतिवादी दो पक्षकार होते हैं वादी वे होता है जो मुकदमा लाता है और प्रतिवादी वह होता है जो मुकदमे का बचाव करता है दोस्तों कभी यह स्थिति होती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लाया गया है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इसे प्रतिवादी की मृत्यु कहा जाता है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से सभी मामलों में वाद का कारण समाप्त नहीं हो जाता है जैसे अगर पति और पत्नी के बीच तलाक या भरण पोषण जैसा कोई मुकदमा चल रहा है और प्रतिवादी की मौत हो जाती है तब वाद का कारण समाप्त हो जाता है लेकिन अनेक मामले ऐसे हैं जहां प्रतिवादी की मौत के बाद भी वाद का कारण समाप्त नहीं होता है जैसे वादी ने प्रतिवादी से कोई संपत्ति खरीदने बाबत किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया था और उस पर विवाद है प्रतिवादी की मौत के बाद भी यह वाद का कारण समाप्त नहीं होता है क्योंकि प्रतिवादी के किसी कार्य या लोप से वादी को हानि होती है और उसकी पूर्ति प्रतिवादी की मौत हो जाने पर भी नहीं होती है दोस्तों इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता उन्नीस के आदेश बाईस में विस्तृत प्रावधान दिए गए है जहाँ पर किसी प्रतिवादी की मौत हो जाने पर किसी भी मामले में सर्वप्रथम वाद का कारण को देखा जाता है अगर मौत के बाद भी वाद का कारण शेष है तब न्यायालय प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों को मामले में पक्षकार बना देता है यदि कोई संपत्ति का कब्जा लेना है या फिर कोई रुपए पैसों की वसूली है तब प्रतिवादी की संपत्तियों को नीलामी कर ऐसी वसूली की जा सकती है प्रतिवादी के उत्तराधिकारी उसकी ओर से मामले में प्रस्तुत होने के लिए बाध्य होते हैं तो आइए एक नजर में जानते हैं कि कैसे किया जाता है उत्तराधिकारियों को शामिल दोस्तों किसी भी मामले में प्रतिवादी की मौत हो जाने पर उसके उत्तरा अधिकारियों को पक्षकार बनाया जाता है प्रतिवादी की मौत हो जाने पर उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने संबंधित प्रक्रिया आदेश 22 में दी गई है जहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसा पक्षकार बनाने हेतु वादी को न्यायालय में एक आवेदन देना होता है दोस्तों उस आवेदन में इस बात का उल्लेख करना होता है की प्रतिवादी की मौत हो चुकी है और प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों को मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए दोस्तों ऐसे आवेदन को देने की समय सीमा निर्धारित की गई है जहां 90 दिनों के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत करना होता है अगर नब्बे दिनों के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब न्यायालय मामले को खारिज कर देता है अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर वादी को प्रतिवादी की मौत की सूचना नहीं मिली थी तब लिमिटेशन एक्ट की धारा पाँच के अंतर्गत उसे छूट मिल सकती है और न्यायालय इस बात को मान सकता है कि सूचना नहीं मिलने के कारण प्रतिवादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया दोस्तों जैसे ही वादी को प्रतिवादी की मौत की सूचना मिलती है वैसे ही उसके उत्तराधिकारियों की जानकारी निकालकर उन्हें मामलों में पचकार बनाने का आवेदन वादी को देना चाहिए अगर वादी को प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है तब वह न्यायालय में किसी एक उत्तराधिकारी के संबंध में ही उल्लेख कर सकता है <homelessness> दोस्तों उसके बाद में उस उत्तराधिकारी की यह जिम्मेदारी है की वह कोर्ट में अपने अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी दे की मरने वाले व्यक्ति के वह लोग उत्तराधिकारी है दोस्तों प्रतिवादी के जितने भी वैध उत्तराधिकारी है सभी को मामले में पचकार बनाया जा सकता है या सभी की ओर से किसी एक को भी पचकार बनाया जा सकता है तो दोस्तों आपने जाना कि किसी मुकदमे में अगर विरोधी पचकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस मुकदमे में क्या होता है और प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को कैसे पछकार बनाया जाता है आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत